नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बचे हुए ऊन से एक बेहद ही खूबसूरत डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा। हम 6-6 फंदे ऐसे गिने तो लास्ट में 5 फंदा आना चाहिए। तो मैंने सिलाई में 23 फंदे डाले हैं, 6 6 6 और 5 फंदा एक्स्ट्रा। और दो लाइन अपने प्राइमरी कलर के ऊन से ही दो लाइन प्लेन बना लेंगे, आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो ये हमारा डिजाइन का बेस तैयार हो जाएगा। तीसरे लाइन से हमारा डिजाइन बनना शुरू होगा। तो तीसरे लाइन में हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लेंगे। तो मैंने अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लिया। अब ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 और 3। फिर 3 फंदा हम स्लिप कर लेंगे, 1 2 3। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदे को उल्टा बुनना है और 3 फंदे को स्लिप करना है। 3 फंदे को उल्टा बुनना है और 3 फंदे को स्लिप करना है। अब लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, तो 3 फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा। तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये हमारा दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे। देखिए ये 3 फंदे हमारे ये सीधे हो जाएंगे, 3 फंदा सीधा और स्लिप किए हुए फंदे को वापस स्लिप कर लेंगे। फिर तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें दोहराना है। 3 फंदा सीधा बुनना है और 3 फंदे को स्लिप करना है। 3 फंदा सीधा, 3 फंदे को स्लिप करना है, यानी बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। लास्ट फंदा एज स्टिच है, जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। तीसरे लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। और चौथे लाइन में सभी फंदे उल्टे। पांचवे लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से ही 5 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। और छठे फंदे को सीधा बुनने से पहले ये जो हमने 2 धागे ये हमारे हैं, इसके नीचे से हम ऐसे सिलाई डालेंगे और छठे फंदे को सीधा बुन लेंगे और फिर सिलाई को इन धागों के नीचे से ऐसे निकाल लेंगे। फिर 5 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। और छठे फंदे को सीधा बुनने से पहले ये जो 2 धागे हमें दिखाई दे रहे हैं, सिलाई इन 2 धागों के नीचे से ऐसे ले जाएंगे और छठे फंदे को सीधा बुनेंगे। सीधा बुना, फिर वापस सिलाई इनके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे। फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। और ध्यान से देखिएगा, छठे फंदे को सीधा बुनने से पहले सिलाई को इन 2 धागों के नीचे से ऐसे ले जाएंगे और छठे फंदे को सीधा बुन लेंगे और वापस सिलाई ऐसे नीचे से निकाल लेंगे और फिर शेष फंदों को सीधा बुन लेंगे।
और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। सातवीं लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम पैटर्न चेंज कर लेंगे। अब हमने जो तीन फंदे सीधे बुने थे, अब पहले उनको अपनी तरफ कर लेंगे और तीन फंदे सीधे बुने थे उन्हें हम स्लिप कर लेंगे। तो तीन फंदा स्लिप कर लिया और देखिए इन तीन फंदों को हमने स्लिप किया था तो इन्हें अब उल्टा बुन लेंगे। एक दो तीन, तो पहला फंदा आया जिस स्टिच है, इन्हें छह फंदों को हमें दोहराना है। तीन फंदे हमें स्लिप करने हैं। देखिए इन तीन फंदों को हमने सीधा उल्टा बुना था तो अब की इन्हें हम स्लिप करेंगे। और ये यहाँ पे तीन फंदे स्लिप किए थे तो इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, यानी डिजाइन तीन फंदा आगे बढ़ जाएगा हमारा डिजाइन। हम पहले लाइन को ही दोहरा रहे हैं लेकिन डिजाइन तीन फंदा आगे बढ़ गया है। जिसे हमने उल्टा बुना था अब कि उन्हें स्लिप करना है, और जिन्हें हमने स्लिप किया था उन्हें हमें उल्टा बुनना है। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अब उन दूसरी ओर करेंगे। ये तीन फंदा हमने स्लिप किया था तो इन्हें वापस स्लिप कर लेंगे। और देखिए ये तीन फंदा हमने उल्टा बुना था तो रॉन्ग साइड से इन्हें हम सीधा बुनेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। नाइन्थ रो में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। और दसवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। अब ये हमारा ग्यारहवा लाइन है और सामने से हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से ही दो फंदा सीधा बुनेंगे। अब तीसरा फंदा हमें बुनने से पहले सिलाई को इन दो धागों के नीचे से ऐसे लाना होगा और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर सिलाई को वापस हम निकाल लेंगे। फिर पांच फंदे सीधा, एक दो तीन चार पांच, या हम यू कर सकते हैं कि इन दोनों धागों को सिलाई के ऊपर ऐसे डाल देंगे और अब छठे फंदे को नॉर्मली सीधा बुन देंगे। देखिए हमारा वापस ऐसे हो गया। फिर पांच फंदे सीधा, एक दो तीन चार पांच। अब देखिए इन दोनों धागों को उठा के हम बाएं सिलाई पर ऐसे डाल सकते हैं और फिर छठे फंदे को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। फिर पांच फंदे सीधे और छठे फंदे को या तो हम इन धागों को बाएं सिलाई पे डाल दें या फिर दाहिनी सिलाई को इन धागों के नीचे से ले जाके और फिर छठे फंदे को सीधा बुनेंगे और वापस सिलाई को बाहर इन धागों के नीचे से निकाल लेंगे।
लास्ट में दो फंदा बचेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे और 12वीं लाइन में सभी फंदे लास्ट में दो फंदे बचे हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे और 12वीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन बन के तैयार है। अब हम जितने भी हमारे पास बचे हुए ऊन होंगे उसे ऐसे लगाते जाएंगे और डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे और देखिए एक खूबसूरत सा पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा और हमारे सारे बचे हुए ऊन का ये सुंदर सा उपयोग हो जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। 12 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है। तो इसमें आप सभी बचे हुए ऊन को लगाइए और एक खूबसूरत सा स्वेटर बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।